आलोक मौर्य बनेंगे आईएएस, पत्नी को सिखाएंगे सबक। कई आईएएस कोचिंग से आलोक को मिल रहे हैं ऑफर। सूर्यवंशम नहीं, शादी में जरूर आना, फिल्म की दिखेगी झलक। डीएम बनकर धोखेबाज पत्नी से बदला लेंगे आलोक मौर्य। एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में हर दिन नई अपडेट आ रही है। पति पत्नी और वो का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दोनों के झगड़े के किस्से पूरे उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा हर जगह है कि जिस तरीके से एसडीएम बनते ही पत्नी ने पति को धोखा दिया, ऐसे में कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम तो नहीं बनाएगा। कई सारे मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं वह वापस बुला रहे हैं कि अब मत पढ़ो, घर में चूल्हा चौका बर्तन करो, अगर पढ़ लिख गई तो हमें छोड़ देगी। फिलहाल यह सब तो चर्चाएं और अफवाहें हैं, लेकिन जो अब सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वह यह है कि अब इस मामले में एक बार फिर से सूर्यवंशम फिल्म का ग्राफ दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको शादी में जरूर आना फिल्म की झलक दिखाई देगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धोखेबाज एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और दोनों को सोशल मीडिया के जरिए भी अलग अलग लोगों से जमकर सपोर्ट मिल रहा है। शादी में जरूर आना फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बड़े कोचिंग संस्थान ने आलोक मौर्य को फ्री में आईएएस की कोचिंग लेने का ऑफर दिया है और कहा है कि आप आइए और आईएएस की तैयारी करिए, जिलाधिकारी बनकर अपनी पत्नी को सबक सिखाइए, क्योंकि कहा भी गया है कि कुछ जब टूटता है तो आवाज़ होती है और इस वक्त आलोक का दिल टूटा है। इस वक्त आलोक के अंदर कई आवाजें एक साथ गुनगुना रही हैं। वह कह रही होंगी कि आलोक अब तो कुछ करके दिखाना है, इस धोखेबाज एसडीएम को शादी में जरूर आना फिल्म की तर्ज पर सबक सिखाना है। दरअसल इन दोनों के बीच के विवाद को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। किसी के द्वारा एसडीएम ज्योति मौर्य को सपोर्ट दिया जा रहा है तो किसी के द्वारा एसडीएम के पति आलोक मौर्य को सपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला पूरी तरह धूल पकड़ चुका है और लोग भी इस मामले में जमकर मजे ले रहे हैं और दोनों के बीच हुए विवादों के मीम्स और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रदेश में संचालित कई बड़े कोचिंग सेंटर ने आलोक मौर्य को आईएएस की तैयारी कराने का ऑफर दिया है। उनका कहना है कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़कर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, उनके सपने को हम साकार करने का जिम्मा ले रहे हैं। हम आलोक मौर्य को फिर से सिविल सर्विसेज की तैयारी कराएंगे और उसे उच्च अधिकारी बनाएंगे। हालांकि आलोक मौर्य की तरफ से अभी तक किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने का बयान नहीं आया है और अब कोचिंग सेंटर सहित लोगों की निगाहें आलोक मौर्य पर ही टिकी हुई हैं कि वह कब आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करके अधिकारी बनकर अपनी धोखेबाज पत्नी को सबक सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।